अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकजुट होकर बड़ी संख्या में शिवपुरी के माधव चौक पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का पुतला भी दहन किया और जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनुप्रिया तंवर ने बताया कि जिस प्रकार तमिलनाडु में ईसाई मिशनरियों के स्कूल में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है वह निंदनीय है। इसी के चलते एक 17 वर्षीय किशोरी लावण्या को प्रताड़ित किया गया था, जिसके कारण लावण्या ने आत्महत्या कर ली, जिसका विरोध आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। जब तक लावण्या को इंसाफ नहीं मिल जाता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक लावण्या को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हमने आज प्रदर्शन किया है कि लावण्या भारत की बेटी तमिलनाडु में एक स्कूल में पढ़ने जाती है, जो एक क्रिश्चियन स्कूल में, वहाँ पे उसको धर्मांतरण के लिए बोला जाता है। जब वह इसका विरोध करती है तो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है वहाँ की ननों द्वारा, और जब वह प्रताड़ना से तंग आकर वह धर्मांतरण नहीं करती बल्कि सुसाइड कर लेती है। जब वह सुसाइड कर लेती है तो एक जहरीले पदार्थ को खाकर उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल में वह अपना बयान, जब उसको होश आता है तो वह बयान देती है कि मुझे धर्मांतरण के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि मैंने मौत को चुना है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जो स्टालिन सरकार है, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, इस बात के ऊपर लीपापोती करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और मुझे शर्म आती है कहते हुए, मेरे मन में बहुत पीड़ा के साथ मैं कह रही हूँ कि वह नन को, जब वहाँ का जो स्थानीय विधायक है उस नन को फूल मालाओं देकर वह उसको स्वागत करता है, उस नन को जिसने उस हत्या के लिए उसको उकसाया था, उसको जिसने उसको हत्या के प्रताड़ित किया था, ऐसे हत्यारों को वहाँ के तमिलनाडु के जो विधायक है वो स्वागत करते हैं। तो इस दुखद के लिए, जब एक दुखद घटना होती है, जब हमको पता चलता है, तो हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री दिल्ली से लेकर तमिलनाडु जाती है उसको न्याय दिलाने के लिए। जब वह सामान्य से आंदोलन कर रही होती है, प्रदर्शन कर रही होती है, तो स्टालिन सरकार उनको हिरासत में ले लेता है, उनके ऊपर 3-3 प्रकार की धाराएं लगा देता है, जो पूरी असंवैधानिक धाराएं हैं, जिनका कोई तुक नहीं बनता है। उनको 15 दिन के रिमांड पे भेज देता है, उनकी आज तक रिहाई नहीं हुई है। तो आज हमारा धरना प्रदर्शन किए, हम कह रहे हैं उस स्थानीय सरकार को संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप एक निर्दलीय पार्टी को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन देश की पूरी भारत की बेटियां सड़कों पर आकर लावण्या के लिए न्याय मांग रही है। और जब तक ये धर्मांतरण नहीं रुक जाता, जब तक उस लावण्या को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम यूं ही सड़कों पर आके उतरेंगे और अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, उस स्टालिन सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। इसके बाद भी आपकी अगर मांग पूरी नहीं होती, हम जब तक मांग नहीं पूरी होगी, जब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, भले ही हमको जेल जाना पड़े। तो हम कहते हैं कि कितनी ऊंची है जेल तुम्हारी, हमने देखी और हम देखेंगे। और संघर्ष को, हमारे अन्याय के विरोध को अगर जेल की मिलती है तो हमको स्वीकार है, लेकिन हम कहेंगे कि आपकी जेल बोनी हो जाएगी, लेकिन हमारा संघर्ष बहुत ऊंचा होगा। ये प्रदर्शन शिवपुरी जिले में रहा गया, नहीं, ये पूरे देश भर में प्रदर्शन रहा है हमारा। देश के पूरे कोने कोने से, कश्मीर से गुवाहाटी तक, देश देश की कोने की बेटियां सड़कों पर निकल कर आई है लावण्या को न्याय दिलाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।